हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आज की मेरी एक नई वीडियो में। और दोस्तों, आज आपको बताने वाले हैं अपने गांव में एक ऐसे स्थित बरगद के पेड़ के बारे में जो कि आप लोग सुनकर चौंक जाएंगे एक प्रकार से देखा जाए तो। दोस्तों, मैंने सोचा कि मैं मतलब हर जगह की वीडियो बनाता हूँ, दूर दूर का ट्रैवलिंग करता हूँ, स्टेट से बाहर जाता हूँ, मुंबई, लखनऊ, दिल्ली। तो हमने सोचा क्यों ना यार, हमारे गांव में जो इतिहास दबा हुआ है उसके बारे में कुछ बात करते हैं। तो दोस्तों, फाइनली हम आ जाए हैं एक बरगद के पेड़ के पास, जैसा कि आप लोग दोस्तों देख सकते हो, जो कि लगभग 300 से 400 वर्ष पुराना पेड़ है। जी हाँ दोस्तों, 300 से 400 वर्ष पुराना। और आप लोगों को पता ही होगा शायद, बरगद के पेड़ की उम्र देखा जाए तो 1000 या 500 वर्ष होती है। आज हम इस पेड़ की सारी सच्चाई आपको बताने वाले हैं जो कि आप सुनकर आश्चर्यचकित हो जाओगे। तो वीडियो को स्किप मत करना मेरे भाई, आप लोग वीडियो को स्किप कर देते हैं और काट देते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखो, सारी जानकारी हम देंगे आपको, जैसा कि यहाँ का व्यूज आप देख सकते हो। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और अगर अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करना मेरे भाई, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो फिर आगे की जानकारी आपको बताते हैं, वीडियो को लास्ट तक देखते रहो। सो दोस्तों, आप लोग देख सकते हो, यह है बरगद का पेड़ जो कि लगभग देखा जाए तो 300 से 400 वर्ष पुराना पेड़ है। और आप देख सकते हो यार, चारों तरफ मतलब बहुत ही प्यारा व्यूज है यहाँ पर। ये जो कि आपको यहाँ पे मैदान कुछ खेत टाइप में दिखेंगे जहाँ पर आपको ये पेड़ है, और एक प्राचीन पेड़ है और भी वो सामने आपको दिखाई दे रहा बरगद का पेड़। और हम ज़रा थोड़ा नज़दीक चलते हैं और आपको नज़दीक चल के पूरे बरगद के पेड़ को जो भी सीन है वो आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों, आप जैसा कि देख सकते हो यहाँ पे जो ये जिन्हें गुच एक प्रकार से जड़ें इनकी बोलते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि बरगद का जो मेन पेड़ होता है मतलब उसकी पेड़ी वो कुछ इस प्रकार से रहती है। उसमें कई सारे पेड़ियाँ यानी कि कई सारी जो जड़ें हैं वो ज़मीन से अटैच रहती हैं। और उसके बाद आप ऊपर की ओर देखेंगे तो ऊपर की ओर आपको बहुत सारे मतलब कि ऐसे ही कुछ गुच टाइप में दिखाई देंगी। और मतलब दोस्तों, जब ये पेड़ जैसे कि ये आप देख सकते हो ये सूख चुकी है, और उसके बाद मैं आपको कुछ हरी दिखाना चाहता हूँ। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हो ये वाला, तो ये कुछ इस प्रकार से ऐसा है जो इसकी जड़ें हैं, मतलब ये जब बाढ़ जाएंगी तो बाढ़ कर इस ज़मीन में ऑटोमेटिक की टच हो जाएंगी, और उसके बाद फिर से ये आपको मतलब यहाँ पे ज़मीन से अटैच हो जाएंगी, जैसे कि यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से। तो हम आपको दिखाना चाहते हैं बरगद का पूरा सीन कुछ इस प्रकार से है, और आप देख सकते हो मतलब बहुत ही घना पेड़ है। और भी हम आपको दिखाना चाहते हैं यहाँ का पूरा सीन, जैसे कि दोस्तों देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारी लगी हुई हैं गुर्च, जैसे कि यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो, और वहाँ ऊपर से जो है वहाँ से लगी हैं ये, यहाँ कर यहाँ से जैसे ही बढ़ते बढ़ते यहाँ पे नीचे की ओर टच हो जाएंगी तो ये मतलब ज़मीन से अटैच हो जाएंगी। और मेन जो पेड़ है मतलब पेड़ी जो होती मेन इसके यहाँ से है, बाकी सब इसकी शाखाएँ हैं, तने हैं। तो दोस्तों देख सकते हो, और यहाँ का पूरा सीन आपको मैं दिखाता हूँ और सारी जानकारी आपको बताता हूँ। इस पेड़ की खासियत ये है कि यहाँ पर जो भी लोग आते हैं सच्चे मन से मनोकामना मांगते हैं तो उनकी मनोकामना पूरी होती है। और अधिकतर देखा जाए तो जैसे कि बरगद जो मतलब सावित्री वट पूजा होता है, जिस दिन वट यानी बरगद को पूजा जाता है उस दिन यहाँ पर जो भी आ जाता है और यहाँ पर चारों तरफ घूम करके परिक्रमा करके बरगद में जो धागा बांधा जाता है, वो धागा बांधने के बाद जो भी मनोकामना मांगता है तो उसकी मनोकामना पूरी होती है। और उसके बाद कहते हैं दोस्तों कि अगर जिस किसी के भी पैर में दर्द वर्द होता है तो उसी धागे को बांध लेने के बाद वो दर्द भी गायब हो जाता है। तो अभी हम सबसे पहले प्रणाम करते हैं बरगद बाबा को, और आपको हम सारी जानकारी देंगे और सारा व्यूज़ यहाँ का दिखाएँगे, क्योंकि काफ़ी ही यार फेमस क्या मतलब, फेमस हम ही कर रहे हैं और बाबा की कृपा की वजह से देखा जाए तो अच्छा ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा। क्योंकि एक ब्लॉगर का काम होता है कि जो भी चीज़ प्राचीन है, ऐतिहासिक है, दबी हुई है तो उसको प्रचार प्रसार करे और लोगों तक पहुंचाए। तो ये हमारे ऐसा बरगद पेड़ है गांव का, तो हम आपको दिखाते हैं पूरा व्यूज वीडियो में बने। तो दोस्तों, अभी हम जो है कि थोड़ा पेड़ पे चढ़ने के बाद वहाँ से आपको व्यूज दिखाते हैं, थोड़ा मतलब पैर वैर छू लेते हैं जय बाबा की, और हम थोड़ा चढ़ने की कोशिश करते हैं क्योंकि यहाँ पे
देख सकते हो दोस्तों कुछ इस प्रकार से यहाँ का सीन, और मतलब बड़ा ही प्यारा सीन है। थोड़ा पकड़ वकड़ लेते हैं, नहीं पता लगे गिर जाए हम तो। हम मतलब दोस्तों आप दोस्तों देख सकते हो यहाँ का सीन कुछ इस प्रकार से है। बहुत ही प्यारा व्यूज है यहाँ का दोस्तों, आप लोग देख सकते हो बहुत ही बढ़िया सीन है यहाँ का। सो दोस्तों जैसा कि हमने आपको दिखाया पेड़ को, और मतलब दोस्तों काफ़ी ही प्राचीन है, जैसा कि हमने आपको बताया कि लगभग 300 से 400 वर्ष पुराना यह पेड़ है। और उसके बाद यहाँ पर मतलब कई सारे लोग आते हैं, और उसके बाद जिस दिन देखा जाए सावित्री वट पूजा होती है, यानी कि समथिंग अभी एक महीने पहले हुई थी सावित्री वट पूजा, तो उस दिन बरगद को पूजा जाता है। कहते हैं दोस्तों साल में मतलब हर किसी का एक दिन आता है, और वो गाँव की भाषा में कहावत होती ना कि घूर जो होता है उसका भी एक दिन आता है, तो वैसे मतलब हर एक चीज़ का एक दिन आता है। तो वैसे ही बरगद को पूजने देखा जाए तो पूजनी पेड़ होता ही है बरगद, और बरगद को लोग पूजते भी हैं श्रद्धालु लोग, और मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। तो सावित्री वट पूजा यानी उसी दिन बरगद को पूजा जाता है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको दिखाया है काफ़ी घना पेड़ है, और जो कि हमारे गांव से लगभग यानी कि आपको उन्नाव ज़िले में जो मेरा गाँव है वहीं से लगभग आपको मेरे गाँव से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर पेड़ है, और काफ़ी प्राचीन है। मतलब देखा जाए दोस्तों तो लगभग कहते हैं कि बरगद की जो उम्र होती है वो लगभग 1000 वर्ष या फिर 500 वर्ष ऐसे कुछ, मतलब जो कछुआ होता आपने सुना होगा, तो कछुआ या फिर बरगद की मतलब 500 या 1000 वर्ष ऐसे कुछ होती है। कन्फ्यूज़न है थोड़ा सा, आप लोग कमेंट बताना कि बरगद की उम्र 500 वर्ष होती है या फिर 1000 वर्ष। तो हमने सोचा दोस्तों यार यहाँ पर बहुत दिनों से मतलब क्योंकि देखा जाए तो लगभग 4 या 5 पीढ़ी तो बीत चुकी है मेरी, यानी बाबा दादा के दादा लोगों के ज़माने का यह पेड़ है, और मतलब काफ़ी ही प्राचीन पेड़ है। तो हम आपको अभी थोड़ी देर बाद और भी कुछ लोग अगर मिलेंगे तो उनसे पूछेंगे इस पेड़ के बारे में कि कितने वर्ष पुराना है, और अगर नहीं मिलेगा कोई तो कोई बात नहीं। वैसे क्योंकि गांव से हटके हैं पेड़ तो काफ़ी ही दूर है, तो यहाँ पर ज़्यादा कोई कुछ दिखाई नहीं देते लोग। तो आई होप कि दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो देखने के लिए हमारे उन्नाव ब्लॉगर को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो फिर और हम आपको दोस्तों यहाँ पे दिखाते हैं, मतलब यहाँ पे बच्चे लोग ऐसे चढ़ते हैं यहाँ पे पेड़ पे, और मतलब पैर वैर छू के आराम से चढ़ने के बाद आराम से यहाँ पे मतलब खेलते भी हैं बच्चे लोग। तो बड़ा ही प्यारा व्यूज़ आ रहा है दोस्तों, जैसा कि आप लोग दोस्तों देख सकते हो। और तो दोस्तों ठीक है, फिर ज़्यादा वीडियो लंबा ना करते हुए आप लोग कमेंट ज़रूर करें और वीडियो को शेयर करें। तो फिर मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।